Welcome dear student to this practical session of manufacturing processes. Today we will cover our last experiment of this semester and subject, that is 9th one. So including the 0th, that is know your lab, we have total 10 experiments. And this one is the last. So now you have to download all the experiment from the Google Classroom and take a printout of it and be ready for evaluation whenever been asked. So aim of our today's experiment is study of different press working and drawing processes. Our main objective behind going through this experiment, understand the press working. Second one is a explain drawing process related to press working, क्योंकि drawing process हमने wire drawing में भी देखा है. Differentiate various press working operations. You should able to differentiate. आपको हर ऑपरेशन को डिफरेंशिएट करना चाहिए. हाँ, ये ऑपरेशन है, ये एक अलग कैसे है. सो वी विल गो फॉर बेसिक थ्योरी. शीट मेटल फॉर्मिंग इज वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच आर ऑलमोस्ट चीप लेस. ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम प्रोसेस में चीप यानी स्क्रैप प्रोड्यूस नहीं होता है. These operations are mainly carried out by the help of press and press tool. These operations include deformation of sheet metal workpiece to the desired size by applying pressure or force. Metallic sheet को हम press tool यानी press machine में रखकर क्या करते हैं, उस पर force या pressure apply करते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज चेंज हो जाता है या फिर कटिंग ऑपरेशन हो सकते हैं. प्रेस एंड प्रेस टूल फैसिलिटेट मास प्रोडक्शन वर्क. ये मशीन जनरली मास प्रोडक्शन में यूज होती है. दीज आर कंसिडर्ड फास्टेस्ट एंड मोस्ट इफिशियंट वे टू फॉर्म अ शीट मेटल इनटू फिनिश प्रोडक्ट. शीट मेटल के लिए सबसे फास्ट मेथड है प्रेस वर्क. इज अ मेथड ऑफ मेटल फॉर्मिंग डिजाइन टू शेप और कट द मेटल बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स और प्रेशर. इट इज कोल्ड वर्किंग मेथड है, हॉट वर्किंग नहीं होता है शीट मेटल में. यूजली इन द फॉर्म ऑफ थीन शीट और स्ट्रिप यूज इन मास प्रोडक्शन. उसका रॉ मटेरियल क्या रहता है, थीन शीट और स्ट्रिप ऑफ मेटल. It is used for fabricating part with intricate shape with thin walls. जो product इससे बनते हैं वो कैसे होते हैं, complicated shape के product होते हैं लेकिन एकदम thin walled होते हैं, thickness कम होता है. Since press working does not involve heating of the part, close tolerance and surface finish can be obtained on the part. बहुत ही अच्छा surface finish और tolerance मिलता है क्योंकि hot process नहीं है. हॉट प्रोसेस अगर होती थी तो स्केल फॉर्मेशन होता था, श्रिंकेज एक्सपांशन होता था, इसकी वजह से आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी नहीं मिलेगी. द प्रेस हैज अ मशीन फ्रेम विच सपोर्ट द बेड एंड रैम. जो फ्रेम होता है वो मेन स्ट्रक्चरल पार्ट होता है जो सारे मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है. Source of power and mechanism to move the ram in vertical direction. Uses tools called as die and punch. Press जो working के लिए tool use करता है, working tool, that is die and punch. Classification of press. Now presses are mainly categorized under three classification. पहला है सोर्स ऑफ पावर, जिससे होता है मैनुअल प्रेस, मैकेनिकल पावर प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस एंड न्यूमेटिक प्रेस. दूसरा क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ फ्रेम,
फ्रेम यानी मेन जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उसका शेप कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आर्क फ्रेम, इंक्लिनेबल फ्रेम, गैप फ्रेम, एडजस्टेबल बेड फ्रेम, स्ट्रेट स्लाइड एंड हॉर्न फ्रेम, ये सारा टाइप्स हो गए उसके अंडर। रैम ड्राइविंग मैकेनिज्म, रैम को जो प्राइम मोर होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर होती है इन मोस्ट ऑफ द केस एक्सेप्ट मैनुअल प्रेस, उसका रोटेशन मोशन आपको कन्वर्ट करना है रैम के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। तो उसके लिए जो मैकेनिज्म लगते हैं, दिस मैकेनिज्म आर क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, कैम, कैम फॉलोअर, इसेंट्रिक, नकल जॉइंट, टॉगल ड्राइव, स्क्रू एंड नट, रैक एंड पिनियन, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म एंड न्यूमेटिक मैकेनिज्म। तो दिस इज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज अ मैनुअल प्रेस और फ्लाई प्रेस, इसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं होता, पावर इज गिवन बाय मीन्स ऑफ हैंड और फुट, हैंड और फुट पावर हम यूज करते हैं। दीज आर आइदर हैंड और फुट ऑपरेटेड थ्रू द लीवर स्क्रू गियर, इसके एग्जांपल है आर्बर प्रेस, फ्लाई प्रेस, दिस इज अ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ फ्लाई प्रेस। दूसरा होता है मैकेनिकल पावर प्रेस, दीज प्रेसेस आर यूजली वर्टिकल कॉन्फिग्रेशन, दीज प्रेसेस आर प्रोवाइडेड विथ अ हेवी फ्लाई व्हील ड्रिवन बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर, प्राइम मोर क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिक मोटर, अ रैम मूव्स अप एंड डाउन द गाइड वेज प्रोवाइड इन द फ्रेम ऑफ द प्रेस, गाइड वेज रैम को गाइड करते हैं अप डाउन मोशन के लिए। वेन द रैम इज कनेक्टेड टू द फ्लाई व्हील थ्रू कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक मैकेनिज्म, द क्लच फॉर ट्रांसफरिंग द मोशन फ्रॉम फ्लाईव्हील टू द रैम इज ऑपरेटेड बाय फुट ऑपरेटेड ट्रेडल, क्लच मोटर से फ्लाईव्हील का पावर कट करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। द अरेंजमेंट इज समवॉट सिमिलर टू द मैकेनिज्म ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजिन, सच प्रेसेस आर वेरी यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्रोक। नेक्स्ट वन इज अ हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस बहुत ही सिंपल कॉन्फिग्रेशन पे वर्क करता है, एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर एक पिस्टन रहेगा आपका, सिलेंडर में दो ओपनिंग होगी, अगर आप ऊपर के ओपनिंग से इन रखते हो तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव होगा, नीचे के ओपनिंग से अगर इन रखते हो तो पिस्टन अपवर्ड मूव होगा, एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल कॉन्फिग्रेशन होता है जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। नाउ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फ्रेम, तो बेसिक कॉन्फिग्रेशन क्या है, ओपन टाइप फ्रेम, ओपन फ्रेम टाइप और क्लोज फ्रेम टाइप। ओपन फ्रेम टाइप मतलब तीनों डायरेक्शन से अगर ओपन है, तीनों डायरेक्शन से अगर आप डाई को एक्सेस कर सकते हो उसे कहते हैं ओपन, अगर आप दो ही डायरेक्शन से मतलब फ्रंट एंड बैक इस दोनों दो ही डायरेक्शन से अगर एक्सेस कर सकते हो दैट इज कॉल्ड एज क्लोज टाइप। सो दीज आर एग्जाम्पल, इट इंक्लूड फ्रेम, आर्क फ्रेम, इंक्लिनेबल फ्रेम, गैप फ्रेम, एडजस्टेबल बेड फ्रेम, स्ट्रेट स्लाइड प्रेस एंड हॉर्न फ्रेम प्रेस, ये इसके अंडर क्लासिफिकेशन हो गए अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्रेम। नाउ रैम ड्राइविंग मैकेनिज्म, ये डायग्राम में आपको क्लियर होगा, पहला है क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, दूसरा है कैम फॉलोअर, तीसरा है इसेंट्रिक ड्राइव, फोर्थ वन इज ए नकल जॉइंट ड्राइव। इन सबका काम क्या है, सारे मैकेनिज्म का काम है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना। फिफ्थ वन इज अ टॉगल, नेक्स्ट वन इज अ स्क्रू ड्राइव एंड लास्ट वन इज अ रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। नाउ प्रेस वर्किंग ऑपरेशन, सो मेनली देयर आर टू ऑपरेशन, फर्स्ट वन इज अ कटिंग ऑपरेशन जिसमें मेटल को हम कट करते, और दूसरा है फॉर्मिंग ऑपरेशन जिसमें अलग अलग शेप में हम कन्वर्ट करते, कटिंग नहीं करते। प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस इन्वॉल्व अप्लीकेशन ऑफ लार्ज फोर्स टू कट और शेप द मेटल, एक तो कट करेंगे या फिर शेप करेंगे, एंड जनरली कंप्लीटेड इन वन स्ट्रोक, एक ऑपरेशन एक सिंगल स्ट्रोक में, स्ट्रोक मतलब अप एंड डाउन, एक बार रैम नीचे आएगा और पूरी तरह से ऊपर चला जाएगा, इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रोक। सो प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस आर क्लासिफाइड एज कटिंग और शेयरिंग ऑपरेशंस,
जिसके अंडर आता है ब्लैंकिंग, पियर्सिंग, पंचिंग, नॉचिंग, परफोरेटिंग, ट्रिमिंग, स्लिटिंग एंड लांसिंग। और दूसरा है फॉर्मिंग ऑपरेशन। फॉर्मिंग ऑपरेशन में क्या आते हैं? बेंडिंग, ड्रॉइंग एंड स्क्वीजिंग ऑपरेशन। नाउ ब्लैंकिंग, ब्लैंकिंग इज अ शीयरिंग ऑपरेशन और कटिंग ऑपरेशन। ब्लैंकिंग इज अ ऑपरेशन ऑफ कटिंग अ फ्लैट शीट टू द डिजायर्ड शेप, ड्यूरिंग विच अ मेटल वर्क पीस इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटल स्ट्रिप और शीट व्हेन इट इज पंच। द मटेरियल दैट इज रिमूव्ड इज द न्यू मेटल वर्क पीस और ब्लैंक। ब्लैंकिंग में क्या होता है? हम एक पीस कट करते हैं और जो कट करने के बाद आपको मिलता है, जो कटिंग कटेड पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन नहीं, जो कट करके आपने रिमूव किया है, वो पोर्शन आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। पियर्सिंग इज द ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ होल। पियर्सिंग और ब्लैंकिंग दोनों दिखने में सेम ही है, लेकिन पियर्सिंग में आपको होल इम्पॉर्टेंट है, जो कट करके रिमूव किया है वो पोर्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। द सिमिलर ऑपरेशन इज पंचिंग, बट द डिफरेंस बिटवीन द पंचिंग एंड पियर्सिंग इज दैट इन केस ऑफ पंचिंग अ सिलेंड्रिकल होल इज प्रोड्यूस। पंचिंग ऑपरेशन मतलब सर्कुलर होल प्रोड्यूस करना, और पियर्सिंग मतलब एनी शेप होल प्रोड्यूस करना। नॉचिंग, नॉचिंग इज द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ डिजायर्ड शेप फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट। प्लेट से मटेरियल रिमूव करना मतलब नॉचिंग। ये अगर एक प्लेट है, यहाँ मैंने एक होल बनाया और ये होल रिमूव करके आपका यहाँ पर आ गया, तो ये अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट है तो ये ऑपरेशन है आपका ब्लैंकिंग ऑपरेशन। अगर ये होल आपका फाइनल प्रोडक्ट है तो ये ऑपरेशन है आपका पंचिंग ऑपरेशन। अगर मैंने यहाँ से एक पोर्शन रिमूव किया, इस तरह का ट्रायंगुलर पार्ट, तो ये ऑपरेशन है आपका नॉचिंग ऑपरेशन। तो ये डिफरेंस है, ब्लैंकिंग में आपका रिमूव किया हुआ पोर्शन वो इम्पोर्टेंट होता है, पंचिंग में आपका होल इम्पोर्टेंट होता है, नॉचिंग में आप एज से कट करते हो, सेंटर में कट नहीं करते हो, एज से कोई पार्ट आप रिमूव करते हो, किसी भी शेप का हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। और दूसरा ऑपरेशन है आपका पियर्सिंग। पियर्सिंग में सर्कुलर छोड़ के बाकी किसी भी शेप का आपका होल हो सकता है, इट इज पंचिंग बट विदाउट सर्कुलर होल। परफोरेटिंग, परफोरेटिंग मतलब बहुत सारे होल बनाना जो एक दूसरे के एकदम पास पास है, दैट इज कॉल्ड एज परफोरेटिंग ऑपरेशन। ट्रिमिंग, ट्रिमिंग ऑपरेशन मतलब पार्ट को ट्रिम करना, बहुत छोटा पोर्शन रिमूव करना फिनिशिंग के लिए, उसे कहते हैं ट्रिमिंग ऑपरेशन। स्लिटिंग ऑपरेशन, स्लिटिंग ऑपरेशन मतलब एक स्ट्रेट एज कट करना इनसाइड द पार्ट, एक स्ट्रेट एज कट करना। और लांसिंग ऑपरेशन, लांसिंग ऑपरेशन मतलब एक तरफ कट करना और दूसरी तरफ उसे बेंड करना। उसको देखते हैं डायग्राम में। पहला है ब्लैंकिंग ऑपरेशन। ए आपका इम्पॉर्टेंट क्या है? ब्लैंक, ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपने रिमूव किया है, और ऊपर जो आपको स्ट्रिप दिख रही है वो स्क्रैप है, जिसमें होल बना हुआ है वो स्क्रैप है। पंचिंग ऑपरेशन, ये आपका पार्ट इम्पॉर्टेंट है आपको, जो आपने रिमूव किया है वो स्क्रैप है। नॉचिंग ऑपरेशन देखिए, एज से पोर्शन को कट करना, इसे कहते हैं नॉचिंग ऑपरेशन। परफोरेटिंग, बहुत सारे छोटे छोटे होल बनाना बहुत नज़दीक। स्लिटिंग, वर्टिकल लाइन कट करना। ट्रिमिंग ऑपरेशन, फिनिशिंग के लिए बहुत कम पार्ट, यहाँ आप देख सकते हो बहुत छोटा सा पार्ट वहाँ पे कट किया जा रहा है पंच से। और लास्ट वन इज अ लांसिंग, जिसमें एक तरफ तो आप मेटल कट करते हो, इस तरफ आपने मेटल को कट किया है लेकिन दूसरी तरफ उसे बेंड कर दिया है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज लांसिंग ऑपरेशन। नाउ दीज आर द कटिंग ऑपरेशन, वी विल नाउ सी द शेप फॉर्मिंग ऑपरेशन, जिसे फॉर्मिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। सो बेंडिंग मीन्स, पहला है बेंडिंग आपका, डिफॉर्मिंग अ फ्लैट शीट
अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन टू फॉर्म रिक्वायर्ड एंगल, एक एंगल में शीट को बेंड करना, विच मे बी यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। जनरली स्ट्रक्चर, शीट मेटल से जो स्ट्रक्चर बनता है उसके लिए बेंडिंग यूज होता है, तो उसमें बहुत सारे टाइप है। वी बेंडिंग, जैसे आप देख रहे हो वी शेप में बेंड करना, एंगल बेंडिंग मतलब मल्टीपल अलग अलग एंगल में उसे बेंड करना, कर्लिंग, यूटेंसाइल को आपने ऊपर हैंडल देखे होंगे पकड़ने के लिए, जो बड़े बड़े यूटेंसाइल होते हैं उस तरह के हैंडल प्रोड्यूस करना मतलब कर्लिंग ऑपरेशन, एंड एज बेंडिंग, सिंपली उसे 90 डिग्री बेंड करना, उसे कहते हैं एज बेंडिंग। तो ये बेंडिंग के टाइप्स है। नाउ ड्राइंग और डीप ड्राइंग। ड्राइंग मतलब एक ब्लैंक को कप शेप में कन्वर्ट करना। इन ड्राइंग और डीप ड्राइंग प्रोसेस वी स्टार्ट विद अ फ्लैट मेटल प्लेट। आप यहाँ देख सकते हो हमने एक फ्लैट मेटल प्लेट ली, उसे पंच किया, आपको क्या मिला, कप शेप। अब ये जो कप है ये दूसरी बार हम रखते हैं, उसको फिर से दूसरे पंच में ऑपरेट करते हैं और आपको उसी पंच कप शेप का एक्सटेंडेड वर्जन मिलता है जिसका डायमीटर छोटा हो जाता है और लेंथ बढ़ जाती है, उसे कहते हैं डीप ड्राइंग। अगर आप सिंगल बार ऑपरेट करते हो, एक ही बार ऑपरेट करते हो, तो उसे कहते हैं सिंपली ड्राइंग प्रोसेस। तो यह है ड्राइंग। नाउ द स्क्वीजिंग ऑपरेशन में क्या आता है, स्क्वीज करना मतलब दो प्रेशर पैड के बीच में उसे प्रेशराइज करना। पहला आता है एम्बोसिंग। इन एम्बोसिंग इम्प्रेशंस आर मेड ऑन अ शीट मेटल इन अ सच अ मैनर दैट द थिकनेस ऑफ द शीट रिमेन यूनिफॉर्म। थिकनेस चेंज नहीं होती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो आफ्टर एम्बोसिंग ये थिकनेस एज इट इज है, जो भी ऐसा ऐसा शेप हुआ आपका, इस शेप का थिकनेस थ्रू आउट द लेंथ सेम है। यह है एम्बोसिंग ऑपरेशन। दूसरा स्क्वीजिंग ऑपरेशन है कॉइनिंग ऑपरेशन। कॉइनिंग में थिकनेस चेंज हो जाता है। देखिए इनिशियल आपका थिकनेस देखिए और फाइनल इसमें थिकनेशन वेरी हुआ है, तो कॉइनिंग जनरली कॉइन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो विद दिस ऑपरेशंस वी हैव कंप्लीटेड आवर 9th एक्सपेरिमेंट, हेंस वी कैन से दैट वी हैव लर्न्ड डिफरेंट प्रेस वर्किंग ऑपरेशन एंड ड्राइंग प्रोसेसेस। हमने सारे प्रेस वर्किंग ऑपरेशन और ड्राइंग प्रोसेस देख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है इसका, इस वाइवा क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं प्रिंट आउट लेने के बाद, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ परफॉर्मेंस लिखना है। ये डेट ऑफ परफॉर्मेंस सारे एक्सपेरिमेंट के लिए आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे आपको, गूगल क्लासरूम में। सो थैंक यू, हमने हमारा इस बार का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया प्रैक्टिकल का वर्चुअली। अब आपको क्या करना है, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है और उसको फिलअप करना स्टार्ट करना है। ये जो नीचे आपको टेबल दिख रहा है इसमें आप सिर्फ डेट ऑफ परफॉर्मेंस लिखोगे, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है आपको। इतना करके सारे प्रैक्टिकल आपको कंप्लीट करके रखने हैं। ये प्रैक्टिकल से पहले मेक श्योर दैट यू हैड गिवन द टेस्ट। आज का टेस्ट आपने दिया है, इससे पहले ही आपको देना है वो। सो नाउ वी विल मीट इन थ्योरी सेशन टुमारो। थैंक यू वेरी मच।